सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ मिस पुर्णी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज दिस इज़ एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा। सो यू गाइज ऑलरेडी नो दैट हाउ मच आई लव मेकिंग आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोज़ एंड आई पर्सनली थिंक के जो आउटफिट हम लोग स्क्रैच से बनाते हैं, जो अपने खुद के माइंड से एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जो आउटफिट बनाते हैं, वो आउटफिट किसी भी रेडीमेड आउटफिट से काफ़ी हद तक बेटर होता है। सो ये मैं पर्सनली मानती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हो तो। सो इस वीडियो में हम लोगों ने जिस आउटफिट को बनाया है वो है एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा, बहुत ज़्यादा प्रिटी एक सिक्वेन का लहंगा, विच आई पर्सनली इन लव विद। इस लहंगे को मैंने थोड़े टाइम पहले बनवाया था बट आई डिडंट गेट दैट मच टाइम कि मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो इसीलिए इस वीडियो को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट फाइनली आई एम डूइंग इट। सो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यूसली देखते रहिएगा अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल चाहिए तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स वॉच आउट द वीडियो। सो इस आउटफिट को बनाने से पहले हम लोगों ने सीक्वेंस का लहंगा काफ़ी जगह सर्च किया, जैसे कि पिंटरेस्ट में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, क्योंकि सीक्वेंस का लहंगा हम लोगों ने बनाने का सोच लिया, उसका कंप्लीट लुक कैसा आएगा वो हम लोगों के माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो कोई भी आउटफिट बनाने से पहले उस आउटफिट का कंप्लीट लुक, जो फाइनल लुक है वो कैसा आने वाला है, वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे की सोच सकते हो कि आपको इसके अकॉर्डिंग किस तरह का ब्लाउज बनाना है, लहंगे में आपको कितना ज़्यादा घेर देना है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी सोच सकते हो जब उस आउटफिट का कंप्लीट लुक आपके माइंड में क्लियर हो कि आपको एग्जैक्ट किस तरह का लुक चाहिए और आप किस तरह का ड्रेस बनाना चाहते हो। सो लास्ट टाइम जो मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो बनाया था उसमें मैंने वेलवेट का कश्मीरी सूट बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा, वो आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस आउटफिट के ब्लाउज से एंड लेट्स सी कि मैंने ब्लाउज के लिए किस तरह का फैब्रिक खरीदा है, कितना फैब्रिक खरीदा है और कितने में खरीदा है, विच इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स सी। सो ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मेन फैब्रिक लिया जो कि एक नेट का फैब्रिक था, और वो नेट का फैब्रिक कुछ इस तरह का था, ये कुछ इस तरह का फैब्रिक है एंड इसमें आपको इस तरह का सिक्वेंस का काम मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छी शाइन आती है और थ्रेड वर्क भी है एंड इसमें और छोटे छोटे फ्लावर्स बने हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस ब्लाउज को स्लीवलेस बनाया था तो इसीलिए इसमें 1 मीटर फैब्रिक ही लगा। अगर आप इसमें फुल स्लीव ब्लाउज बनाते हो या कुछ और डिजाइन देते हो तो उसमें फैब्रिक बढ़ जाएगा। सो नेट के फैब्रिक के नीचे हम लोगों ने एक सेटन का फैब्रिक भी अटैच किया था, क्योंकि नेट जो है वो विजिबल होता है और उसके नीचे आप डायरेक्ट ही क्रैप या फिर कॉटन का लाइनिंग लगा दोगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने इस नेट के फैब्रिक के अंदर ही सेटन के फैब्रिक को यूज किया है एंड आप देख सकते हो सेटन की लाइनिंग की वजह से इसमें कितनी अच्छी शाइन आ रही है। एंड देन इसके बाद लाइनिंग के लिए हम लोगों ने कॉटन लाइनिंग यूज किया था और उसको भी हम लोगों ने 1 मीटर ही लिया था, उसका मेन फैब्रिक था और ये फैब्रिक पर मीटर 300 रुपीज करके था, तो इसको हम लोगों ने 1 मीटर लिया। तो सेटन का जो लाइनिंग था वो 200 रुपीज पर मीटर था, तो हम लोगों ने 1 मीटर लिया था और कॉटन का लाइनिंग भी हम लोगों ने 1 मीटर लिया था जो कि हम लोगों को 50 रुपीज पर मीटर पड़ा था। एंड देन इसके बाद बारी आती है लेस की, क्योंकि विदाउट लेस आपका ब्लाउज बिल्कुल ही अधूरा अधूरा सा लगेगा। सो इस ब्लाउज में हम लोगों ने कुछ इस तरह का लेस यूज किया है, इसको पर्ल लेस बोलते हैं और इस लेस को लगाने की वजह से इस ब्लाउज का कम्प्लीट लुक बहुत ज्यादा अच्छा आया। जो लेस है इस ब्लाउज में बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अगर हम लोग इस पे डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का लेस लगा देते तो ये इसमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सो ब्लाउज तो हो गया, नेक्स्ट बारी आती है लहंगे की जो कि मेन पार्ट है इस आउटफिट। तो लहंगा हम लोगों को चाहिए था कि लहंगे में बहुत ज्यादा फ्लेयर होना चाहिए, क्योंकि वो लहंगा जिसमें फ्लेयर नहीं होता है उसको आप लहंगा नहीं बोल सकते हो, उसको आप पेटीकोट बोल सकते हो। तो हम लोगों का फोकस था कि लहंगे में बहुत ज्यादा फ्लेयर होना चाहिए और बहुत ज्यादा फ्लेयर के लिए बहुत ज्यादा कपड़ा यूज होता है ऑब्वियसली, सो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने फैब्रिक खरीदा। सो लहंगा का जो मेन फैब्रिक था जो कि एक सिक्वेन का फैब्रिक था उसको हम लोगों ने 3.5 मीटर लिया था, क्योंकि जिसको लहंगा बनाना था उसने ही बोला था कि इतना फैब्रिक काफी होगा और सारी चीजें उसने ही गाइड की थी कि कौन सा फैब्रिक कितना लेना है। लहंगे में बहुत ज्यादा फ्लेयर देने के लिए हम लोगों ने कैनकेन वगैरह का यूज नहीं किया, क्योंकि कैनकेन लगाना भी बहुत डिफिकल्ट है और उसको मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम लोगों ने फैब्रिक से ही काफी अच्छा घेर बनाया था और लहंगा का जो मेन फैब्रिक था उसके नीचे हम लोगों ने 2 और फैब्रिक अटैच किए थे। तो लहंगा का जो मेन फैब्रिक था वो 300 रुपीज पर मीटर था और हम लोगों ने इसको 3.5 मीटर लिया था, सो इट कॉस्टेड अस 1050 रुपीज। सो मेन फैब्रिक जो है वो 3.5 मीटर यूज हुआ था और बाकी जो 2 फैब्रिक है सैटन और क्रैप वो हम लोगों ने 3 मीटर ही यूज किया था। सैटन लाइनिंग जो था वो 150 रुपीज पर मीटर था और इसको हम लोगों ने 3 मीटर लिया था, तो ये हम लोगों को 450 रुपीज में मिला था। इसके बाद क्रैप लाइनिंग भी हम लोगों ने 3 मीटर ही लिया था और ये फैब्रिक जो था वो 70 रुपीज पर मीटर था, तो ये हम लोगों को 210 रुपीज में मिला था। सो ये लहंगा कुछ इस तरह का लग रहा था, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया था एंड यू कैन सी इसमें कितना
इतना ज़्यादा शाइन आ रहा है इस सीक्वेंस के फैब्रिक की वजह से। सो सीक्वेंस का फैब्रिक कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हो ये मेन फैब्रिक था। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने एक सैटिन का लाइनिंग अटैच किया था जो कि मैंने बताया, और सैटिन का कपड़ा कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हो ये सैटिन का कपड़ा इस मेन फैब्रिक के नीचे लगा था। एंड देन इसके बाद इस तरह का क्रैप फैब्रिक यूज़ हुआ था जो कि सबसे नीचे लगा था। सो इस तरह से ये तीन फैब्रिक को मिक्स करके हम लोगों ने इस तरह का लहंगा बनाया था। सो इसका कंप्लीट लुक आप लोगों को ट्राई ऑन में दिख जाएगा अच्छे से, तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि इस लहंगे में एक्चुअल में कितना ज़्यादा फ्लेयर था। एंड देन इन सब के अलावा लहंगे में हार्ट बकरम का भी यूज़ हुआ है। हार्ट बकरम एक तरह का चीज़ होता है जो कि लहंगे के एकदम नीचे साइड होता है। हार्ट बकरम इस चीज़ को बोलते हैं जो कि यहाँ पर अटैच है, जिससे लहंगा का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सो ये भी हम लोगों ने इस लहंगे में अटैच किया था। हम लोगों ने 10 मीटर लिया था और ये हम लोगों को 100 रुपीज़ में मिला था। तो लहंगा हो गया, ब्लाउज हो गया, अब बारी आती है दुपट्टे की, क्योंकि बिना दुपट्टे के तो आप घूमोगे नहीं। तो इस लहंगा का जो दुपट्टा था उसको हम लोगों ने सिंपल रखा, क्योंकि लहंगा काफी ज्यादा हैवी था, काफी ज्यादा चमक धमक वाला लहंगा था। सो दुपट्टा बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह का प्लेन नेट का फैब्रिक लिया था डार्क ब्लू कलर में, और इस तरह का लेस लिया था जो कि एक सीक्वेंस लेस है, और इसको हम लोगों ने इस दुपट्टे के चारों तरफ लगाया था जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। प्लेन नेट फैब्रिक अच्छा नहीं लगता बिना इस लेस के, तो इसीलिए दुपट्टा बनाने के लिए मैक्सिमम 2 या 2.5 मीटर का फैब्रिक लगता है, इससे ज्यादा फैब्रिक नहीं लगता है। सो इस नेट फैब्रिक को हम लोगों ने 2 मीटर लिया था, पर मीटर ये 100 रुपीज का था, तो 2 मीटर हम लोगों को 200 रुपीज में मिला था। और ये सीक्वेंस का जो लेस है ये 200 रुपीज पर मीटर था, तो इसको हम लोगों ने 1 मीटर लिया था, और 1 मीटर में ये काफी अच्छा सा दुपट्टा बन गया। सो दिस वॉज द फाइनल लुक ऑफ दिस लहंगा एंड इट वॉज लुकिंग स्टनिंग। मतलब ये लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर बना था एंड फ्लेयर वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छा था, और सीक्वेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल पार्टी अप्रोप्रिएट आउटफिट था ये। एंड इसका ब्लाउज डिजाइन हम लोगों ने कुछ इस तरह का दिया था जो कि इस लुक के साथ काफी ज्यादा सूट कर रहा था। सो कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप लोगों को इस लहंगे का कम्प्लीट लुक कैसा लगा। सो ब्लाउज लहंगा और दुपट्टा बनाने में कुछ इस तरह के फैब्रिक का यूज हुआ है, और सारी चीजों का प्राइस अगर आप प्लस करके देखोगे तो इसका टोटल अमाउंट जो है वो 3000 रुपीज के आसपास पड़ता है। इस कंप्लीट लहंगे को मैंने 3000 रुपीज में बनाया है जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एक रेडीमेड आउटफिट के हिसाब से, और अगर मार्केट में या ऑनलाइन अगर आप ढूंढने के लिए जाओगे तो इसका प्राइस और भी ज्यादा होगा। सो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इस लहंगे का कम्प्लीट लुक कैसा लगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस आउटफिट की हर एक डिटेल आप लोगों को शेयर कर सकूं, और अगर आप इस आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो भी देखना चाहते हो तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, वो मेरी दीदी का चैनल है, वो अपने चैनल पर कटिंग एंड स्टिचिंग वगैरह पोस्ट करती रहती है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट ऑन बिलो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस आउटफिट का कंप्लीट लुक कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो यार आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। Thank you so much. Bye bye.